कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करें अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं गाइस JRF नेट टूरिज्म बैच 2 जो कि हमने मंडे को जस्ट 14th of November को हमने शुरू किया है। वो क्लासेस कहाँ पे हो रही हैं और कैसे हो रही हैं वो आपको मैं भी दिखाने वाला हूँ। उसका बैच हमने बना दिया है, वहां पे डेली मॉक टेस्ट बच्चों को दिए जा रहे हैं। सेकंड आज हम बात करने वाले हैं नेट इन टूरिज्म मिस्टर पंकज शर्मा, जो कि हमारे बैच 1 के स्टूडेंट थे, जिन्होंने किराना एजुकेशन का कोर्स सब्सक्राइब किया हुआ था, उन्होंने नेट इन टूरिज्म क्वालिफाई कर लिया है। उनसे हम बात करेंगे गाइज, और वो वर्किंग प्रोफेशनल, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा मिस्टर पंकज शर्मा इज वर्किंग प्रोफेशनल। ओके, तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा और आज उन्होंने नेट इन टूरिज्म गाइस क्वालिफाई कर लिया है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर हम वर्किंग हैं, हम जॉब कर रहे हैं, तो हम जॉब के साथ साथ कैसे और कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे एग्जाम की तैयारी करें। तो मिस्टर पंकज शर्मा उन सभी बच्चों के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अभी वो खुद आपको बताएंगे, है ना, कि कैसे उन्होंने जॉब भी की और साथ में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू किया। गाइस, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहां पे हमारे एक स्टूडेंट ने JRF इन टूरिज्म भी क्वालिफाई किया है, उसका वीडियो भी आपको आई बटन में दिख रहा होगा। ओके, तो वो इंटरव्यू भी आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल राणा एजुकेशन। जैसे आपको पता है कि नेट का रिजल्ट आ चुका है और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया था। आज हम बात करेंगे एक और स्टूडेंट जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है इस बार, और वो है मिस्टर पंकज शर्मा। सो मिस्टर पंकज शर्मा, वेलकम टू राणा एजुकेशन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला इस वीडियो के लिए। थैंक यू इंडीड, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर विद राणा एजुकेशन फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। ओह थैंक यू। सो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो कैसा लगता है नेट क्वालिफाई करके, प्लीज हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स को बताएं। धन्यवाद फिर से आपके शुभकामनाओं के लिए। नेट क्वालिफाई करके आई एम फीलिंग क्वाइट गुड, और एक सेटिस्फेक्शन सी महसूस हो रही है इसके बाद। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब मतलब एक काफी टाइम से आई वाज इनटू दिस, तो कोशिश कर रहा था कि नेट हो जाए, तो अब फाइनली अब हो गया, देन आई एम फीलिंग रियली गुड एंड यू नो सेटिस्फाइड, कंटेंट फील कर रहा हूँ। That's great. So, अपनी जर्नी शेयर करें नेट की और कैसे आप राणा एजुकेशन से जुड़े, वो बताएं हमारे दर्शकों को। तो मेरी जो नेट की जर्नी है ये आई एम इनटू दिस फ्रॉम कपल ऑफ इयर्स। तो मैं टूरिज्म में, क्योंकि मैंने MTM की है टूरिज्म में, और मैं वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ, तो काम के साथ जॉब के साथ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो गिव टाइम फॉर दीज प्रिपरेशन, जो भी एग्जाम्स होते हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो सिंस आई टोल्ड कि मैं कपल ऑफ इयर्स से आई वाज ट्राइंग टू क्रैक नेट, पर टूरिज्म का एक प्रॉब्लम है, आपके पास इंटरनेट में, अगर ऑनलाइन मीडियम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के, यू नो पेपर वन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यू गेट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म जहां पे आपकी उसकी तैयारी हो जाती है। प्रॉब्लम कम्स फॉर द पेपर टू, पेपर टू में प्रॉब्लम आती है, और पेपर टू में अगर आप यू नो सर्च करेंगे तो जहां तक मैंने भी पिछले सालों में देखा, तो आपको टूरिज्म के रिगार्डिंग आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं। ठीक है, कमर्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, इवन जो ये बड़े बड़े पावर हाउसेस हैं, तो इनमें भी आपको टूरिज्म का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। देन दिस लास्ट ईयर आई केम अक्रॉस राणा एजुकेशन और मैं इसके साथ जुड़ा, और नाउ दिस टाइम आई क्लियर दिस वन। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो बहुत से स्टूडेंट्स में से पूछते रहते हैं कि सर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हम काम के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते, हम अपना समन्वय नहीं बिठा पाते हैं कि हम काम करेंगे कि पढ़ाई करेंगे, तो आपके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है कि ऐसा नहीं है, आप अपने जॉब के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और उसको क्रैक भी कर सकते हैं। ओके मिस्टर पंकज, तो जरा जो कंटेंट, जो कोर्स आपने ज्वाइन किया था उसका कंटेंट कैसा था और मॉक टेस्ट वगैरह कैसे थे, वो थोड़ा बताएं हमारे एस्पिरेंट्स को। सी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑनलाइन आपके पास बहुत कम टूरिज्म के रिगार्डिंग ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे। सो जैसे मैं राणा एजुकेशन के साथ जुड़ा, सो द कंटेंट जो मेरे को वहां पे मिला, तो दैट वाज रियली वेरी गुड। और द बेस्ट पार्ट इज लाइक वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको हर टॉपिक्स की, हर एज पर द सिलेबस, सब कुछ, सभी टॉपिक्स का। स्पेशली मैं मैं टूरिज्म जो पेपर 2 है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि आपको पूरा PDF फाइल्स सिलेबस मिल रहा है जिसमें आपके पास नोट्स हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि वीडियोस भी हैं उसमें, तो रिकॉर्डेड वीडियोस, अगर जैसे इनके जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, तो अगर मुझे जब भी टाइम, मतलब इवनिंग में लाइक 1 आवर और 1.5 आवर जब भी मेरे को टाइम लगा, तो मैं उन वीडियोस को देख के थोड़े अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके, और उसके बाद
यू नो, और उसमें जो सबसे मॉक टेस्ट वाज द बेस्ट पार्ट, तो आपके पास छोटे छोटे मॉक टेस्ट है कंटिन्यूसली, सो यू नो अगर आपके पास 15-20 मिनट्स भी हैं जो स्मॉल इंडिविजुअल टॉपिक्स के रिगार्डिंग, वहां पे बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, तो आप 15-20 मिनट्स, जो यूजुअली मैं यही करता था कि जैसे मेरे पास जब भी 15-20 मिनट है तो मैंने एक मॉक टेस्ट लगा दिया, चाहे मोबाइल मतलब जैसे भी मैंने वो मॉक टेस्ट किया, और उससे थोड़ा सा साथ साथ में आपके क्वेश्चंस भी, वो जो आपने पढ़ा होता है उसके रिगार्डिंग भी आपकी रिवीजन साथ साथ में हो रही थी, तो वो एक बेस्ट पार्ट था। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उसमें 2012 से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं एनटीए के पूरे पैटर्न से, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है उसी तरह से वो क्वेश्चंस हैं। तो वहां पे वो क्वेश्चंस जब आपके पास लाइक वीकेंड्स में आपके पास टाइम है तो यू कैन यू नो ट्राई दैट इंटायर पेपर, सॉल्विंग इंटायर पेपर, तो वो एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि यू नो लास्ट मोमेंट्स में व्हेन यू हैव लाइक स्टडी द कॉन्सेप्ट्स, तो उसके बाद ये जो हमारा लास्ट का पीरियड होता है व्हेन वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स आवर एग्जाम, तो उस टाइम मॉक टेस्ट सबसे बेनिफिशियल होते हैं। एंड उसमें मेरे को इसमें इस कंटेंट में राणा एजुकेशन में मेरे को वो मॉक टेस्ट मिले जो उन्होंने काफी हेल्प किया मेरे को जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में। चलो थैंक यू। और लास्ट में बस जो हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज कोई आप देना चाहेंगे तो प्लीज। मैसेज यही होगा कि यू नो जस्ट स्टे फोकस, ठीक है, देयर इज ओनली वन पर्सन बिहाइंड, जो आपका फेलियर है उसके पीछे एक ही पर्सन हो सकता है एंड दैट्स यू, तो सक्सेस और फेलियर के पीछे, तो आपको वो फोकस लूज नहीं करना है, हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहली बार दिया है और आपका क्लियर नहीं हुआ देन यू गेट डिसहार्टन, दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो जब आप उसको सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो यू नो देयर इज अ गुड पार्ट बिहाइंड दिस, कि आप जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे यू विल गेट गो विद अ मोर नॉलेज एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। जो पिछली बार आपने अगर आपने फर्स्ट टाइम में क्रैक नहीं हुआ आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या है कि आप नेक्स्ट टाइम और थोड़ा और स्टडी करेंगे, जो पुराने कंसेप्ट हैं वो आपको थोड़ा बहुत पता होंगे, कुछ कंसेप्ट अगर आपको नहीं होंगे आप नए कंसेप्ट देखेंगे, तो फिर उससे क्या फायदा होगा कि जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट और वो क्रैक करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। सो जस्ट स्टे फोकस, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव सा टाइम दें एंड वो मतलब यू विल गेट थ्रू, तो यही मैसेज है मेरा। चलिए मिस्टर पंकज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपकी नेट की, एंड राणा एजुकेशन विशेस यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर। थैंक यू सो मच मिस्टर पंकज, थैंक यू। एंड द लास्ट आई अगेन वांट टू थैंक राणा एजुकेशन एंड आई विल रियली सजेस्ट एवरी एस्पिरेंट ऑफ यू नो नेट इन टूरिज्म टू ज्वाइन दिस कोर्स विद राणा एजुकेशन एंड इट विल रियली हेल्प यू आउट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट। थैंक यू, थैंक्स। वो कोर्सेज कहाँ मिलेगा, वो क्लासेस कहाँ पे होंगी, सब कुछ बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने उस पर ऑलरेडी बना रखा है। उस वीडियो का लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा और उस वीडियो का लिंक मैंने गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ओके गाइज, एक और चीज, जिन बच्चों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है उनका मैंने एक अलग से बैच भी बनाया है गाइज, उस बैच का नाम रहेगा JRF नेट टूरिज्म, अभी आपको सामने दिख रहा होगा। और ये बैच आपको कहाँ मिलेगा, आप जैसे ही ऐप को खोलेंगे गाइज, आप चाहे फोन पे खोलिए या आप लैपटॉप पे खोलिए, अब जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं तो बॉटम में आपको दिखेगा बैचेस करके, यहाँ पे कर्सर में आपको दिखा रहा हूँ, बैचेस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप बैचेस पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि आप एक ही बैच में ऐड हैं तो यहाँ पे वहां पे आपको देखेगा JRF नेट टूरिज्म ऐसे करके एक बैच आएगा गाइज, आपने उस बैच को ओपन कर लेना है। अभी तक गाइज यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं 7 स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया है। एंड यहाँ पे आप देखें जैसे हम टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे आज का मॉक टेस्ट है ना, तो ये दो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, उनके मार्क्स कितने आए हैं है ना, एक के 22 आए हैं, एक के 12 आए हैं, तो ऐसे करके गाइज यहाँ पे डेली मॉक टेस्ट असाइन हो रहे हैं। ओके, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपने बैचेस पे क्लिक करना है। ओके, बैचेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बैच देखेगा JRF नेट टूरिज्म, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओके, ओपन करने के बाद आपने टेस्ट पे जाना है ना, और टेस्ट पे यहाँ पे आपको डेली मॉक टेस्ट दिख जाएगा, यहाँ पे आप देखें उस मॉक टेस्ट के नीचे डेट लिखी होगी और साथ में टाइम भी लिखा होगा। ओके, जैसे यहाँ का देखो ये मॉक टेस्ट है, यहाँ पे लिखा है 15/11/2022 8 बजे ये शुरू होगा और 8:05 पे, क्योंकि इसमें 10 ही क्वेश्चन थे तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे मॉक टेस्ट 2 था हमारा, तो गाइस ये देखो ये 15 तारीख को 7:30 पे है ना, 15 तारीख को 7:30 पे शुरू हुआ और 15 तारीख को 7:40 पे खत्म हो गया, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन थे और उसमें आपको 10 मिनट का गाइस टाइम दिया गया था। ओके, तो ये मॉक टेस्ट आपको डेली यहाँ पे मिलेंगे है ना, 7:30 और 8:10 के बीच में, प्लस हमारे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे, जैसे बच्चों के डाउट्स आते रहेंगे तो वो सेशन भी हम साथ साथ में चलाएंगे।